सो हेलो एंड वेलकम, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। और आप चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना, क्योंकि आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है। आज की वीडियो में मैं आपको कुरुम बीच पर ले जाने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सो स्टे ट्यून। और बीच पर जा तो रहा हूँ लेकिन चलकर, क्योंकि यहाँ से मेरे लोकेशन से, मतलब मेरे अकोमोडेशन से मिनिमम हाफ एन आवर का डिस्टेंस होगा बीच का, इसके लिए चल के जा रहा हूँ। गर्मी बहुत है, देखो कितना पसीना है, पूरा पसीने से भीग गया हूँ मैं। सो उधर जा के आपको बताएंगे, बीच का व्यू दिखाएंगे हम आपको। तो अभी घर से निकल के मुझे 5 मिनट नहीं हुआ, पूरा पसीने से भीग गया, कितना गर्मी है यहाँ पर। और अभी शाम के 5 बज रहे, शाम के 5, कितना गर्मी है, देखो पूरा पसीना आ रहा है। बीच काफ़ी दूर है यहाँ से मेरे लोकेशन से, बीच में एक गार्डन भी आएगा। हम जिस बीच पर जा रहे हैं उस बीच का नाम है कुरुम बीच। और वो बीच के पहले थोड़ा थोड़ा 5-10 मिनट पहले एक भी गार्डन आएगा, कुरुम गार्डन बोलते हैं। तो गार्डन भी आपको दिखा दूँगा वीडियो में। यहाँ भी कुत्ता आ गया। तो अभी हम शॉर्टकट ले लिए वहाँ पे। भाई माँ कसम, मेरे को 4 साल हो गया और इसी जगह से मैं शॉर्टकट से मैं पहले कभी नहीं आया। जब जो सीन में भी शूट किया हूँ ना, ये शॉर्टकट में फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ। मेरे बगल में, मेरी गली में, मतलब जहाँ से मैं रहता हूँ उसी के बगल में एक जहाँ छोटी सी गली है, वहाँ पे इतनी अच्छी अच्छी शॉप है खाने की, मुझे अभी पता चला। मैं अभी आया ना, फर्स्ट टाइम वीडियो बना रहा हूँ तो मुझे पता चला। तो अभी जा रहे हैं, अभी हम बीच की तरफ, फिर बीच के आगे हम जाएंगे। ना ना ना, पहले कुरुम गार्डन जाएंगे, फिर गार्डन के आगे हम बीच पर जाएंगे। वो कहते हैं ना, अगर लाइफ में कुछ एक्सपीरियंस करना है तो किसी से पूछ कर नहीं करना, खुद करना पड़ता है। अगर आप घर से बाहर निकलोगे तो आपको पता चलेगा कौन सी जगह पर क्या चीज़ है और क्या है क्या नहीं है, खुद एक्सपीरियंस करना पड़ता है हर चीज़ का। जैसे मुझे पता नहीं था, मुझे 4 साल हो गए यहाँ पर ओमान में। मेरे बगल में ही एक गली आती है, उस गली में इतनी अच्छी अच्छी शॉप है खाने की है, जूस कॉर्नर है, हर चीज़ है, वो मुझे पता नहीं था। और मैं इधर आया तो मुझे पता चला, इसीलिए कुछ भी एक्सपीरियंस करना हो आपको तो आप अकेले निकल जाओ। और अभी मैं इधर आ गया हूँ, अभी थोड़ा चाय वाय पी लेंगे, नाश्ता वास्ता कर लेंगे थोड़ा बहुत,
फिर आपको गार्डन भी दिखा दूंगा बाहर से, फिर बाद में हम बीच की ओर निकल जाएंगे। ये रहा कुरुम गार्डन है, गार्डन की एंट्री है, यहाँ से दो एंट्री है, गार्डन की दो एंट्री है अंदर जाने के लिए। सबसे पहले हम बीच पर जाएंगे, बीच का व्यू दिखाएंगे और वहाँ से थोड़ा टाइम पास करेंगे 5-10 मीटर, फिर वहाँ से वीडियो बनाकर वापस रिटर्न हम गार्डन में घूमने के लिए आएंगे और गार्डन के अंदर का पूरा व्यू दिखाएंगे आपको। तो वीडियो पसंद आएगी तो लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है? और मिनिमम मेरे को 1000 सब्सक्राइबर चाहिए, अभी तो मेरा नया चैनल है, कुछ भी नहीं है मेरे चैनल पे अभी तक। तो रिक्वेस्ट है मेरी कि मेरे चैनल पे मिनिमम 1000 के सब्सक्राइबर ज़रूर करवा देना मेरे, आप सबसे रिक्वेस्ट है मेरी। ऐसे ही फिर आप तो पूरा ओमान घुमाऊंगा और ओमान का हर एक कोना कोना दिखाऊंगा आपको। ऐसी सी जगह वहाँ मैं भी नहीं गया हूँ, तो आप लोग के लिए मैं वहाँ पहुँचने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं अभी कुरुम बीच पर। मस्कत के सिटी में ये भी एक एरिया है जो बहुत एक्सपेंसिव है, यहाँ पे घर भी आपको रेंट पे लेना हो तो बहुत ज़्यादा पे करना पड़ेगा रेंट, और पूरा मतलब यहाँ पे फॉरेनर एरिया थोड़ा बहुत, और इधर के हर एक घर की कीमत मिनिमम 10 मिलियन से भी ऊपर है, स्टार्टिंग मिनिमम 10 मिलियन है, इतना एक्सपेंसिव एरिया है मालूम। यहाँ आ गया बीच, कुछ ही सेकंड में हम वहाँ होंगे, यहाँ से कुछ दिख रहा नहीं होगा आपको, तो पास जाके आपको दिखाएंगे कुरुम बीच का नज़ारा। सो फाइनली अभी बीच पर हम पहुंच गए हैं, और बीच पर हर हफ्ते बीच पर सिर्फ फ्राइडे और सैटरडे बहुत रश रहता है, आपको दिखाता हूँ कितना रश रहता है यहाँ पर। और ये है यहाँ का 5-star होटल, सबसे महंगा होटल है, महंगा इसलिए है क्योंकि ये सी फेस है, ये देखिए पूरे फॉरेनर यहाँ पर आते हैं। और देखिए कितना पब्लिक आ रहा है, हर फ्राइडे सैटरडे पब्लिक आता रहता है यहाँ पर।